कुवैत में अग्निकांड की क्या कहानी है? कौन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है? कौन इस मातम का जिम्मेदार है? अब राख के ढेर से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं। भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है। खुद पीएमओ हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रहा है। कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 49 हो चुकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके यहाँ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनके अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी। दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहाँ 160 से ज्यादा लोग रहते थे, इनमें ज्यादातर भारतीय थे। खबर तो ये भी है कि इस हादसे में मारे गए सबसे ज्यादा लोग केरल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं। दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक जिस 6 मंजिला इमारत में आग लगी वहां सिलेंडर में धमाका हुआ था जिस वजह से आग तेजी से फैलती गई। फिलहाल इस हादसे का पूरा सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हादसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए हैं।